नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली खबर न्यूज़ में। आज आपके सामने एक नई खबर के साथ आएंगे। आपको बता दें, रिलायंस या शेयर के पक्ष में 11.1 करोड़ डॉलर के मध्यस्थता फैसले के खिलाफ सरकार की अपील खारिज हुई। सरकार ने पश्चिमी अपतटीय पन्ना मुनाफा और ताप्ती तेल एवं गैस क्षेत्रों में लागत वसूली विवाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज और शेयर के पक्ष में आए मध्यस्थता फैसले को चुनौती दी। जी, आपको बता दें कि रिलायंस शेयर के पक्ष में आए 11.1 करोड़ डॉलर के मध्यस्थता फैसले को में भारत सरकार की चुनौती को खारिज कर दिया गया। सरकार ने पश्चिमी अपतटीय पन्ना मुक्ता और ताप्ती तेल एवं गैस क्षेत्रों में लागत वसूली विवाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज और शेयर के पक्ष में आए मध्यस्थता फैसले को चुनौती दी थी। ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया। जी हां, आखिर क्या था मामला, आइए हम आपको बताते हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने बताया कि उच्च न्यायालय ने कि न्यायाधीश रॉस क्रेस्टन ने 9 जून 2022 को फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्धारित सीमाओं को पूरा नहीं करने को लेकर अपनी आपत्तियां उस समय लानी चाहिए थी जबकि 2021 में यह फैसला सुनाया गया था। वह सरकार के साथ मुनाफे को साझा करने से पहले तेल और गैस की बिक्री से वसूल की जाने वाली लागत की सीमा को बढ़ाना चाहती है। भारत सरकार ने भी किए गए खर्च बिक्री को बढ़ाकर दिखाने, अतिरिक्त लागत वसूली और लेखा में खामी के मुद्दे को उठाया था। सिंगापुर के वकील क्रिस्टोफर लाउ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मध्यस्थता पैनल में बहुमत से 12 अक्टूबर 2016 को अंतिम आंशिक फैसला यानी FPA जारी किया गया। इसमें सरकार के इस विचार से सहमति जताई कि इन क्षेत्रों से लाभ की गणना मौजूद 33% की कर की कटौती के बाद कर की कटौती के बाद की जानी चाहिए, न कि कुल की मध्यस्थता व्यवस्था के अनुसार 50% कर के आधार पर। आपको बता दें कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने यह भी कहा था कि अनुबंध में लागत वसूली ताप्ती गैस क्षेत्र में 54.5 करोड़ डॉलर और पन्ना मुक्ति तेल और गैस क्षेत्र में 57.75 करोड़ डॉलर भी रहेगी। दोनों कंपनियां लागत प्रावधान को ताप्ती के लिए 36.5 करोड़ डॉलर और पन्ना मुक्ता के लिए 6.25 करोड़ डॉलर बढ़ाना चाहती है। जी, आपको बता दें कि 3.85 अरब डॉलर का बकाया मांगा था। सरकार ने इस फैसले के आधार पर लाइन्स और बीजी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन से 3.85 अरब डॉलर का बकाया मांगा था। दोनों कंपनियों ने ब्रिटिश उच्च न्यायालय में 2016 में FPA को चुनौती दी थी। उसने 16 अप्रैल 2018 को इस मुद्दे को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास पुनर्विचार के लिए भेजा गया था। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 29 जनवरी 2021 को दोनों कंपनियों के पक्ष में फैसला सुना था। लाइन्स की पिछले साल की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार ने ब्रिटेन की अदालत ने 2018 के अंतिम FPA फैसले के खिलाफ भारत सरकार की चुनौती को खारिज कर दिया था। इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय 4 जनवरी 2021 में आया था। उसके बाद दोनों क्षेत्रों ने न्यायाधिकरण में स्पष्टीकरण आवेदन किया था। न्यायाधिकरण ने 9 अप्रैल 2021 को रिलायंस और शेयर को कुछ मामले सुधारी की अनुमति दी थी लेकिन सरकार के आग्रह को खारिज कर दिया था। इसके बाद सरकार ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी। अदालत ने इस पर भी 9 जून 2022 को